पता लग्या सीगा भी एक जगतार सिंह नाम दे व्यक्ति ने जिहड़ी हैगी है फायरिंग करके अपनी जिहड़ी हैगी है घरवाली जिहड़ी सुखप्रीत कौर उहदी जिहड़ी हैगी है मौत कर दित्ती है। ते उहदे विच जिहड़ा हैगा जिहड़े इहदी दूसरी जिहड़ी लेडी जिहदे नाल इहदे नजायज़ संबंध सीगे निर्मलजीत कौर इहदी माता ते इहदी जिहड़ी भैण हैगी है ते इहदे जीजे की जिहड़ी हैगी है उह साजिश है ते उहनां दी शह ते इहने जिहड़ा हैगा वी उह कतल जिहड़ा रोह कीता है। ते इहदे जिहड़ा जगतार सिंह है इहदे निर्मलजीत कौर दे नाल काफ़ी समय तों जिहड़े हैगे है नजायज़ संबंध इहनां दे दस्से मुताबक चल रहे हैगे है ते जिहदे करके इन्हों का आपस के काफ़ी देर तो तकरार चल रहा है। जी सुखप्रीत कौर है तो जोड़ा जगतार सिंह इन्हों का आपसी तकरार काफ़ी देर तो वो लड़की जी सुखप्रीत कौर अपने पेके रह रही थी इन्होंने कोर्ट केस भी चल रहे थे तो इन्हों कल ये जोड़ा है ये पेके जोड़े सुखप्रीत कौर के इन्हों छन जोड़ा है उसे आए थे गलबात जीवन सिंह वाले पिंड वो सहुरे घर उत्थे जोड़ा है इन्हों का आपस तकरार हो गया तो जिदे करके जरा जगतार सिंह ने अपनी एक जी हैगी है अनथराइज 12 बोर राइफल हैगी है पता लगी वो जरा है गोली चलाती ये जी 12 बोर की राइफल है ये पता लगे है भी ये जी अपना ये संबंध असी जो है एक FIR नंबर जरा 169 मिति 16/10/24 अंडर सैक्शन 103 109/3/5/62 BNS 25 53 आर्म्स एक्ट के तहत थाना तलवंडी दर्ज किया है। इंस्पैक्टर सरबजीत कौर ने अपनी टीम नू नाल लैके तुरंत कार्रवाई करते हुए बड़ी हिम्मत दे नाल जिहड़ा पंजों दे पंजों दोषी है जिहड़े हैगे है वह अज मिति 17/10/24 जिहड़े अरैसट कर लए है ते बहुत ही घट समय के जिहड़े हैगे है ये दोषी जिहड़े हैगे है इन्हां ने अरैसट कर लए है। रैफल वरती गई है जे चुन जाबता लग्या होना करके कि उह जमा नहीं करवाई गई जां कोई नजायज़ तलाशी गई नहीं ये इस तरह हैगा ये पता लग्या हैगा भी जिहड़ी राइफल नाल इहने फायर किया इहने मुरली कुछ किस्त दस्सिया भी उह इहदे फादर दे नां ते सीगी जिहड़ा जगतार सिंह हैगा इहदा फादर अमर सिंह जी दी डैथ हो चुकी है ते इहने उह जिहड़ी हैगी है राइफल दे बारे ना तां किसे नूं सूचित कीता ते ना ही उहदे ते बारे किसे नूं दस्सिया उहदे संबंध च इहदे ते तां ही 25/54 दा जिहड़ा हैगा उह FIR लॉज कीती कैंसल भी करिया हुण लाइसेंस कैंसल हाँ वो कैंसल करने लिए असी जो है वह लिखता है DC साहब न तो असला जोड़ा है वह हले बराबद कराना जोड़ा है बाकी है वो एक तो पूछगिछ करके वो छेती असला जोड़ा है बराबद करा लिया। सर ये जी घर से नाले नजायज जी आप उस लेडी पुलिस ने पहला भी कारवाई करी संबंध काफी देर पहला जी ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਹੈਗਾ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕਲਾਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੌਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ 5ਵੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਕਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਬਸ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਰ ਬਸ ਜਬ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸੇ ਇਹ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਡਜ਼ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ। ਬਚਪਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ। ਇਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਜ਼ੀ ਲਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ।
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ।